मीटिंग आज के दिन चीफ इंजीनियर और जितने भी ऑफिसर्स हैं उनके साथ ली गई है। ये मीटिंग वैसे तो बहुत रेगुलरली होना चाहिए, लेकिन कोरोना के पीरियड के अंदर बहुत बड़ा गैप हो चुका था। कुछ दिनों के बाद हम एक दोबारा इसकी मीटिंग लेंगे, जिसके अंदर है तो दूसरे लोक प्रतिनिधि जो है, चाहे वो आमदार हो ग्रामीण क्षेत्र के या शहर के जितने भी आमदार हैं, उन लोगों को बुलाकर उनके जो मुद्दे हैं हम उनसे यही कहेंगे कि प्राथमिकता के तौर के ऊपर एक दो तीन जितने प्रायोरिटी के ऊपर आपके जो काम है या जो काम बचे हुए हैं उसकी लिस्ट बना के दे दें, ताकि हम वो मीटिंग से पहले ही इनके पास दे दें और उसके ऊपर काम किया जाए। आज जो प्रेजेंटेशन किया गया है उसके अंदर दो तीन जो अहम मुद्दे हैं, एक तो ये है कि हमारे पास शहर के अंदर हमने सड़कों को चौड़ा किए हैं। सड़कों को चौड़ा करने के बाद भी, मतलब शहर के बीचों बीच खंभे जो लगे हुए हैं उसको हटाने को लेकर काफ़ी दिनों तक ये विवाद चलता रहा कि इसका पैसा कौन देगा करके। फिर ये तय हुआ था कि मतलब 50% है तो महानगर पालिका देंगी, 50% है तो MSEDCL देगी। हमने ये मुद्दे को बार बार जब उठाया तो DPDC के अंदर से ये फंड सैंक्शन हो गया है, लेकिन अभी तक खंभे क्यों नहीं हटे हैं तो उसका एक सर्वे होना बाकी है। लोक प्रतिनिधि, हमने यही कहा है कि जो प्राथमिकता के तौर के ऊपर शहर के बीचों बीच आ रहे हैं, जो ख़तरनाक खंभे लगे हुए हैं, उनको हटाया जाए और जल्द से जल्द हटाया जाए। चीफ इंजीनियर का कहना है कि मार्च 2022 तक, लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा अरसा है। अगर आपके पास पैसा है तो कम से कम 10-10, 15-15 जहाँ जहाँ पर भी जितने निकालना चाहिए, इसके लिए बहुत ज़्यादा स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है या सर्वे करने की ज़रूरत नहीं है। ये अपने तौर के ऊपर ही अगर जाकर देख लेंगे कि शहर के जो इम्पोर्टेंट रास्ते हैं वहाँ से ये पहले हटा दिए जाए, तो उसके बाद ये पैसा खर्च हो जाता है तो हम DPDC के अंदर दूसरा पैसा मांग सकते हैं कि अब हमारे पास इतने खंभे बचे हुए इसको हटाने के लिए। और अगर 2022 तक ही अगर ये काम चलता रहा तो ये साल की जो DPDC है उसके अंदर हम और पैसा नहीं मांग सकते हैं। एक दिक्कत ये है। दूसरा ये है कि IPDS के जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो फंडिंग है उसके जो काम किए गए हैं, मैं समझता हूँ वो समाधानपूर्वक नहीं है। मैंने ये मीटिंग होने से पहले जो IPDS के ज़रिए जो काम किए गए थे वो IPDS काम के मैंने खुद ने है तो वहाँ पे अपने टीम को भिजा कर वहाँ के फ़ोटोज़ निकलवाने लगाया हूँ। और यहाँ पे आने से पहले जो MSEDCL के MD है विजय सिंगल साहब, उनसे पर्सनली मैंने बात किया और मैंने ये कहा कि देखिए कुछ काम ऐसे हैं जो बहुत अच्छे तरीके से हुए हैं और कुछ काम जो है वो समाधानपूर्वक नहीं है, तो आप अपने हेड ऑफिस से है तो एक टीम को यहाँ पर भेज के इसका हम चाहते हैं कि थर्ड पार्टी ऑडिट किया जाए। कि अधिकारियों का कहना है कि काम बहुत अच्छे से हुआ है करके, लेकिन ज़मीनी स्तर के ऊपर जब हम जाकर देख रहे हैं तो हमको ऐसा लगता है कि वो काम समाधानपूर्वक नहीं हुआ है। मैं पर्सनली जो जवाब आज के दिन दिया गया है उसके बेसिस के ऊपर कौन कौन से काम का थर्ड पार्टी ऑडिट कराया जाना चाहिए वो थर्ड पार्टी हम ऑडिट कराएंगे। हमारी भी मंशा यही है कि शहर के अंदर हल्की सी बारिश आती है और लाइट गायब हो जाती है। दूसरी बात ये है कि अब चूँकि बारिश का मौसम आ रहा है तो वो उसको देखते हुए आपके जो कॉल सेंटर्स हैं वो कॉल सेंटर्स को पूरी तरह से एक्टिवेट करें, ताकि किसी इलाके के अंदर लाइट जाती है तो उसको कम से कम उस कॉल को अटेंड करने के लिए जो लोग रहते हैं उसको पूरी तरह से सक्षम किया जाए। इन्हीं बातों के ऊपर आज की मीटिंग से आप कितने मुतमईन हैं? देखिए मुतमईन का सवाल नहीं है कि कुछ बातें जब सामने आती है तो प्रेजेंटेशन तो किसी भी मीटिंग के अंदर ऐसा होता है कि बहुत सब कुछ अच्छा चल रहा है करते हैं, लेकिन जब आप ग्राउंड के ऊपर उतरते हैं और ग्राउंड के ऊपर देखते हैं प्रेजेंटेशन के हिसाब से तो ऐसा लगेगा कि औरंगाबाद में बिजली विभाग का कोई प्रॉब्लम नहीं है करते उसमें, लेकिन उसके बावजूद भी जो प्रॉब्लम निकल कर आते हैं तो कहीं ना कहीं कोई एक अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। और अगर ये सभी काम सही तरीके से हुए हैं तो मैं तो खुद चाहूँगा कि जो यहाँ के चीफ इंजीनियर है या जो भी रिस्पॉन्सिबल है IPDS जो भी देख रहे हैं उन्होंने अपने तौर के ऊपर सरकार को ये कहना चाहिए कि हमने तो इतने करोड़ रुपये का खर्चा कर दिए हैं, ये काम हो गया है, अब आप थर्ड पार्टी करवा दीजिएगा जिससे भी करवाने का है। उन्होंने खुद ने बताना चाहिए उसके अंदर, तो हम इनको भी लेटर देंगे और कहेंगे कि हमने इतने करोड़ रुपये का काम कर दिए है, आप भी अपने हेड ऑफिस को लिखिए, MD को लिखिएगा कि आप इसके तो आपको हम इतनी तरह पूरी तरह से संतुष्ट हैं कि काम अच्छा हो गया है तो आप इसका थर्ड पार्टी ऑडिट करवा दीजिएगा।